बड़ी खबर आ रही है अलबामा के स्कूल में योग पर दशकों पुराना बैन बरकरार, बोले इससे हिंदुत्व का प्रचार होगा। भारत को लगी ठोकर, अब सऊदी अरब का गुरूर तोड़ने का बनाया प्लान। बेकाबू कोरोना, औसतन मामले की लिस्ट में अमेरिका से आगे निकला भारत, ब्राजील नंबर एक पर। ट्रक से टकराकर सुरंग के अंदर ही पटरी से उतरी ट्रेन, अब तक 36 की मौत। भारत को लेकर इमरान खान ने पलटा बड़ा फैसला, पाकिस्तानी हुए नाराज। बांग्लादेश में भारत और पीएम मोदी के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान का हाथ। नॉकडोज लैंड पर मडरा रहा आबादी, खत्म होने का खतरा। भारत आ रहे अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत, जलवायु परिवर्तन पर होगी बात। पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार पर यू टर्न, गृह मंत्री बोले अनुच्छेद 370 पर फैसला, वापस होने के बाद ही व्यापार। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने हंगामा होने के बाद भारत को लेकर मारी पलटी। फ्रांस में कोरोना प्रकोप, 3 हफ्ते के लिए स्कूल बंद, घरेलू यात्राओं पर रोक। ब्रिटेन, बर्थडे पार्टी में बेटी को भूल गई थी मां, 6 दिन बाद लौटी घर तो दम तोड़ चुकी थी मासूम, अब होगी सजा। वैक्सीन शॉर्टेज पर ब्राजील में बवाल, विदेश मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। पीएम इमरान खान ने दी होली की बधाई, पाकिस्तान में सिर्फ 45 लाख हिंदू की आबादी।
इंडोनेशिया चर्च के बाहर आत्मघाती हमला, दो फिदायीनों ने खुद को उड़ाया, कई लहूलुहान। म्यांमार में सेना ने खेली खून की होली, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बड़ी खबर आ रही है जर्मनी, ज्यादा भयानक हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य संस्था ने चेताया। कानपुर वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही, मोबाइल पर बात करते करते नर्स ने महिला को वैक्सीन की डबल डोज दी। इथियोपिया, इस देश में पुरुषों से जबरन कराया जा रहा है अपने ही परिवार की महिलाओं का रेप। मिस्र में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, दो ट्रेन आपस में टकरा गईं, जिससे 32 लोगों की मौत होने की सूचना है।